वाली ये नाम मैंने ऐसा चुना था कि मैं ड्यू माउंटेन जब आया था 2011-12 में आपने कोई चीज़ मुझे दी तो मेरे पे ड्यू आया था कि अब मैं वो चीज़ आपको दूँ। जैसे एक गोल अगर आपने मुझ पे मारा तो दूसरा गोल मेरे पे लागू हो जाता कि मैं आपको एक गोल मारूँ। बता दूँ आपको, अभी मैं इनके साथ थोड़ा बहुत क्रिकेटर है तो क्रिकेट खेल रहा था और क्या फास्ट बॉलिंग करते हैं आप, कितना दिल दुखा आपका क्रिकेट छोड़ के। तो फ्रेंड्स चौक गए ना, ये क्या बॉल है, मैं क्या कर रहा था, जंप मार रहा था, इधर उधर कैचेस पकड़ रहा था, क्या स्पोर्ट है ये, आप वंडर कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग स्पोर्ट है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये रंग बिरंगी बॉल के स्पोर्ट के बारे में। और ये स्पोर्ट एक इंडियन ने इन्वेंट किया है दोस्तों, तो चलिए ये वीडियो में बताऊँगा आपको क्या है ड्यू बॉल और किस तरह से वो सक्सेस पा रहा है धीरे धीरे इंडिया में। फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें हमारे चैनल द स्पोर्ट्स जर्नल्स को, क्योंकि ये बहुत सारी स्टोरीज लाने वाले आपके पास। फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं फाउंडर ऑफ ड्यू बॉल फिरोज भाई से। फिरोज भाई कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आगे बढ़ने से पहले जान तो ले हम लोग फिरोज भाई हैं कौन। फिरोज भाई एक हॉकी प्लेयर है भाई, दोस्तों बता लो और बताइए आप अपने बारे में, आप खुद ही बताइए। मैं एक हॉकी प्लेयर हूँ, हॉकी प्लस फुटबॉल, फुटबॉल मेरा पैशन भी है और हॉकी से मुझे रेलवे में नौकरी भी मिली है, जिस बेस पे मैं आज रेलवे में जॉब भी कर रहा हूँ और रेलवे के लिए खेलता भी हूँ हॉकी। तो मेरा बेसिक ही स्पोर्ट्स रहा है और हमेशा मुझे इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में ही कुछ करके दिखाऊँ, अपने देश के लिए कुछ करूँ, ऐसा करूँ कि पूरी दुनिया उसको जाने। तो ये ड्यू बॉल मेरे लिए वही है कि मैं दुनिया को बताऊँ कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बड़ा ही एक्साइटिंग स्पोर्ट है, बहुत ही एनर्जी चाहिए रहती है स्पोर्ट में। ये स्पोर्ट इन्होंने इन्वेंट किया है, ये नागपुर से आते हैं, ऑरेंज के शहर से, ऑरेंज संतरे की, और ये बॉल का डिजाइन भी हमारा संतरे जैसा, संतरे जैसा बॉल का डिजाइन है। तो बताइए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पे तो पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स करते हैं आपको। थैंक यू। तो बताइए ड्यू बॉल क्या है एग्जैक्टली, हमने कभी सुना नहीं है ये मिक्स। मुझे, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, मैंने बहुत सारे स्पोर्ट देखे हैं, NBA देखा है, हैंडबॉल देखा है, बहुत सारे स्पोर्ट्स कवर किए हैं, पर ये ड्यू बॉल क्या है ये बताइए। ड्यू बॉल एक फिटनेस, हाई फिटनेस लेवल का गेम है जी। इसमें सबसे पहले तो आपको खेलने में मज़ा आ जाएगा। अच्छा। और इसका, इस खेल को जो डिज़ाइन किया है हमने बोर्ड और ग्राउंड के लेवल से, फिटनेस ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों का, हमारे बूढ़ों का, यंगस्टर्स का, और जो एज में भी चाहे इसके लोग खेल सकते हैं, छोटे बच्चे भी खेल सकते हैं। इसका ग्राउंड छोटा हो जाता है, बड़ों के लिए बड़ा हो जाता है। मेरी सोच है, हमारे लोगों की भी और मेरी भी थी, कि कुछ बच्चे ड्यू बॉल कैसा बना ये मैं आपको बता दूं पहले, कि कुछ बच्चे बास्केटबॉल का जो टूटा हुआ गोल पोस्ट होता है जी, पेंटिंग वाला, उसमें बॉल शूट करके खेल रहे थे। और मेरे कुछ फिजिकल दोस्त थे, फिजिकल से जो रिलेटेड थे, वो लोग चाह रहे थे कि कुछ हम नया इंडिया के लिए करें। तो मैंने वो सोच को धीरे धीरे बदला, वो बच्चों ने जो गेम खेला, दो चार ही बच्चे थे जस्ट मेरे घर के सामने ही, उस खेल को देखकर मेरे दिमाग में कुछ चला कि ऐसा भी कोई स्पोर्ट्स बन सकता है कि जो जो हम लोगों को, हमारे कंट्री के लोगों को जो मोबाइल की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो गए, बच्चे भी और बूढ़े भी और सारे लोग हम मोबाइल लेके बैठे थे दिन में जी। तो उस सोच को लेके मैंने सोचा कि चलो एक फिटनेस वाला गेम बनाया जाए। ये नाम मैंने ऐसा चुना था कि मैं ड्यू माउंटेन जब आया था 2011-12 में, उस नाम को लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई ड्यू बॉल, माउंटेन ड्यू और ड्यू बॉल, ये मैं एक नाम लेकर उसको जोड़ दिया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैंने सुनी आपसे बात करते करते, ड्यू मतलब पार्टी देना होता है। यस यस यस। जैसे तो कि क्या मतलब, ये ड्यू बॉल एक पार्टी है? एक ड्यू बॉल मतलब ये है कि जैसा अगर आपने कोई चीज़ मुझे दी तो मेरे पे ड्यू आया था कि अब मैं वो चीज़ आपको दूँ। जैसे एक गोल अगर आपने मुझ पर मारा दूसरा गोल मेरे पे लागू हो जाता कि मैं आपको एक गोल मारूँ और ड्यू कर दूँ आपको। तो मतलब ये बड़े सोच समझ के आपने पूरा गेम के साथ इन्वेंट किया और इसका नाम भी बड़े ही सोच समझ के रखा है। फिरोज भाई ने ये इन्वेंट कर दिया, बता दिया आपको कैसे इन्होंने लाया ये गेम को रियलिटी में, असलियत की दुनिया में, एक अपने दिमाग से आइडिया से। लोग आइडिया निकालते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, बट आपने आइडियाज़ भी किया और
सोच भी की और एग्जीक्यूट भी कर दिया और बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा है। 26 कंट्री में ये गेम चालू होने वाला है, 22 कंट्री में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ब्यूटीफुल, 22 कंट्री में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 2013 में शुरुआत हुई थी इसकी, 2013 में स्टार्ट किया और 7 साल में 26 कंट्री इज ब्यूटीफुल। इट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट। हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने इतने कम टाइम में इस खेल को इतने सारे कंट्रीज में पहुंचा दिया कि जहां यूरोप कंट्रीज भी खेल रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज भी खेल रहे हैं, एशियन कंट्रीज सारे खेल रहे हैं। और हम तैयारी में भी है कि इस टाइम अगर गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाती है तो मार्च अप्रैल में हम एशियन चैंपियनशिप इंडिया में मुंबई में करेंगे। अच्छा, क्योंकि मुंबई हमारे देश की शान है। हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्राउड मोमेंट है, हमने लूडो इन्वेंट किया एज इंडियन, हमने कबड्डी किया, हमने खो खो किया, फिर हम कहीं पड़े कि हमने पोलो भी किया, हॉर्स पोलो। तो बड़ा ही एक्साइटिंग मामला रहा है और ये शायद आपके लिए भी बहुत ही प्राउड मोमेंट ऑब्वियसली, जैसा आपने कहा। बट आपकी फैमिली ने कैसा रिएक्ट किया या आपके आसपास मित्र जो आपके दोस्त लोग हैं? इसमें मेरे दोस्तों का, मेरे सपोर्टर्स जो है, मेरे स्पोर्ट्समैन दोस्तों का बहुत साथ रहा है और सारे ऑल इंडिया स्टेट के सेक्रेटरी हैं, सारे हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। ड्यूबॉल एक सबको मिला जुला के ही ताकत बनी है और आज हम एशिया तक इसको डेवलप कर रहे हैं। एशियन चैंपियनशिप होने वाली है ड्यूबॉल की, बहुत ही एक्साइटिंग फास्ट स्पोर्ट है। आपने भी देखा मैं किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, मैंने ट्राई किया, एक्सपीरियंस किया कि कितना फास्ट होता है ये गेम। और ये बॉल बहुत लाइट है, आपने कहा ये संतरा है कि कलर भी, आपने क्या बॉल? एक्चुअली में नागपुर से हमने इस खेल को इन्वेंट किया। अच्छा, और इसको जब हमने ओपनिंग किया था तो सबसे पहले इसके स्पॉन्सर थे हमारे नितिन गडकरी साहब, जो आज मिनिस्टर भी रहे। अच्छा, और हम ड्यू बॉल को हमारे फुल सपोर्ट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि मुंबई में भी हमको हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से सपोर्ट मिले। ये बॉल हमने संतरा नगरी के नाम से ही इसको डिज़ाइन किया है, कि भाई हमारा जो सिंबल है नागपुर का। और भी लोगों से बात करेंगे, इंटरेस्टिंग बातें करेंगे उनके प्लेयर्स से और अलग अलग फील्ड से आ रहे ये बंदों से। चलिए बात करते हैं कुछ प्लेयर्स से और शायद जूनियर इंडिया प्लेयर से ही बात करेंगे। आइए, हे चैंपियन, व्हाट्स योर गुड नेम? शिवम। शिवम, शिवम इज अ जूनियर इंडिया प्लेयर और ड्यू बॉल के चैंपियन है। ड्यू बॉल क्यों लिया आपने? आप क्या खेलते थे इसके पहले, ये बताइए शिवम। मेरा फर्स्ट गेम एथलेटिक्स था, उसके बाद कॉलेज टाइम में मैंने थ्रो बॉल स्टार्ट किया था। फिर ऐसे ही वन ऑफ माय फ्रेंड यूज टू गो फॉर द प्रैक्टिस ऑल इवनिंग, सो मैंने उसको पूछा कि कैसा, क्या, कहाँ जा रहा है, कौन सा गेम है, तो उसने मुझे बताया कि ये गेम है। ये गेम जितना खुद से अंदर ग्राउंड पर आके खेलने में इंटरेस्टिंग है, शायद मेरे हिसाब से उतना समझने में बहुत कम टाइम लगता है ये गेम को। अच्छा, इसमें मतलब ये फुटबॉल का मिक्सचर है, मुझे कोई रनिंग गेम चाहिए था, ऐसे में मेरा फर्स्ट गेम ऐसे एथलेटिक्स था। एथलेटिक्स क्या? लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस, ऑल लवली यू, आपका फिटनेस भी वैसे ही है लॉन्ग डिस्टेंस रनर का, एकदम फिट लग रहे हैं आप। तो ये तो मिक्सचर ऑफ सारी गेम है यार, ये हैंडबॉल, NBA, बास्केटबॉल, रग्बी और एथलेटिक्स बोला जाए तो यार भागम दौड़ी तो है ही इसमें, आपको तो फिट रहना ही। आप करते क्या हैं वैसे, ये बताइए। सर मैं वैसे तो अभी एज अ कोच हूँ, थ्रो बॉल कोच। जब से मैंने ड्यूबॉल स्टार्ट किया तो स्टेप बाय स्टेप ये गेम जैसे बढ़ रहा है, हमें भी नेम, फेम, पर्सनैलिटी, जो नाम मिलने से वो मिल रही है गेम की तरफ से। अरे लवली यार, और आप मालदीव भी जाके सुना शायद, पहली बार गए थे? फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था? फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, और ड्यूबॉल की वजह से? हाँ, ड्यूबॉल की वजह से। और भी लोगों से बात करते हैं, आते हैं इनसे बात करते हैं। ये चैंपियन लग रहे हैं, ये कोच साहब लग रहे हैं शायद। यस, व्हाट्स योर गुड नेम? आहत शेख। आहत शेख, और आप कोच हैं? बस अभी कोचिंग के लिए स्टार्ट किया है। कोचिंग स्टार्ट किया ड्यू बॉल की, और आप क्या करते थे इसके पहले, ये बताइए। इससे पहले मैं थ्रो बॉल खेलता था, थ्रो बॉल नेशनल प्लेयर हूं मैं। अच्छा, वहाँ पे अभी कोचिंग स्कूल्स में कोचिंग प्रोवाइड करता हूं मैं बच्चे लोग को, स्कूल्स अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 स्कूल्स में। और जस्ट लास्ट 4 ईयर से मैं ड्यू बॉल स्टार्ट किया खेलना, 4 नेशनल खेल चुका हूँ मैं, 1 इंटरनेशनल खेल चुका हूँ। अरे लवली, अमेजिंग, मतलब ऑन फील्ड जब आप आते हो और इस गेम को आप देखते हो, खेलते हो, बहुत एक्साइटेड लगता है। जैसे हम बाहर से देखते हैं, उससे ज़्यादा जब आप फील्ड पे आके खेलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट, एग्रेशन, पॉइंट्स लेना, डिफेंस करना, अटैक करना, गोल को रुकाना, बहुत ही मतलब एक नेक्स्ट लेवल का एक्साइटमेंट आता है जब हम खेलते हैं फील्ड पे। तो थ्रो बॉल मिक्सचर गेम है, मतलब एक बहुत ही निचोड़ है, बहुत ही यूनिक गेम है जो हमारे फिरोज खान सर ने जो गेम बनाया है, आई थिंक सो ये हमारे इंडिया ने इन्वेंट किया, ये बहुत प्राउड मोमेंट है। मुझे फील कर रहा हूँ क्या ये एक हमारे इंडियन ने बनाया इस गेम को। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ सेबास्टियन है जो क्रिकेटर भी है। यस, क्रिकेटर भी और ड्यू बॉल में आ गए आप।
सर पहले स्कूल टाइम में मैं क्रिकेट खेलता था, तो स्कूल टाइम से फिर कॉलेज टाइम में आया। फिर तब एक सर है आज सर, उन्होंने मुझे ड्यू बॉल के बारे में बताया था कि ऐसा ऐसा गेम है। फर्स्ट इंटरनेशनल जा रहे थे जब इंडिया वर्सेस नेपाल, तो मुझे पूछा था उन्होंने कि आप आ रहे हो क्या ड्यू बॉल। मैंने पूछा था ये ड्यू बॉल क्या है, न्यू गेम है। तो उसने बोला एक बार खेल के देखो, फिर आप इसके एडिक्ट हो जाओ। बता दूं आपको, अभी मैं इनके साथ थोड़ा बहुत क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेट खेल रहा था और क्या फास्ट बॉलिंग करते हैं आप। कितना दिल दुखा आपका क्रिकेट छोड़ के ड्यू बॉल में आने का, कंसीडरिंग कि आप स्पेशलाइज्ड क्रिकेटर और एकदम शोएब अख्तर के पेस वाले बॉलर हैं। सर तब स्कूल टाइम पे जब फैमिली सपोर्ट नहीं था, तो धीरे 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 ड्यू बॉल आया। ड्यू बॉल में सर ये थोड़ा लो एक्सपेंसिव है, तो घर वाले भी ज़्यादा सपोर्ट करने लगे। अच्छा, तो मुझे बहुत पसंद आया गेम, और घर वालों को भी धीरे धीरे मैं ऊपर आने लगा, तो घर वालों को लगा कुछ तो कर सकता है ड्यू बॉल में, तो इसीलिए ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर। सबासन क्विकली हमको बताइए रूल्स क्या है यार ड्यू बॉल के, फटाक से बताइए। आपको 10 सेकंड देता हूँ या 20 सेकंड में हो जाएगा? हाँ चलिए बताइए। सर ड्यू बॉल का ऐसा रूल्स है, प्रॉपर बॉडी टच अलाउड नहीं है, 5 सेकंड ड्रिबल है, ज़्यादा फास्ट गेम है, जल्दी। कितने प्लेयर्स एक टीम में रह सकते हैं? 7 प्लेयर्स, एक गोल कीपर, 6 प्लेयर खेल सकते हैं। इसमें सर ऐसा रूल्स है सारे प्लेयर गोल्स मार सकते हैं। अच्छा, फुटबॉल में कैसा डिफेंडर अटैकर अलग अलग पोजिशन होती है, इसमें कैसे सारे प्लेयर भी डिफेंस कर सकते हैं, सारे प्लेयर भी अटैक कर सकते हैं। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट, कैसा लगा आपको ड्यू बॉल? एक्साइटिंग स्पोर्ट है ना, मुझे भी बहुत एक्साइटिंग लगा जब मैंने बॉल को छुआ और बहुत ही अलग ही फीलिंग आई। और जब मैं थोड़ा सा, आपने जो देखा होगा कि मैं किस तरह से इन्वॉल्व था पूरे स्पोर्ट में, थोड़ा से इनके प्रैक्टिस सेशन में, तो बड़ा ही मज़ा आया मुझे। बहुत ही एक्साइटिंग है ये नया स्पोर्ट, और स्पेशली एक इंडियन ने इन्वेंट किया है, फाइंड किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो फ्रेंड्स बहुत मज़ा आया मुझे ये वीडियो करके, आई एम श्योर आपको भी मज़ा आएगा। अगर मज़ा आएगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो भी जानना चाहेंगे क्या है ड्यू बॉल। एनी फ्रेंड्स, चलने से पहले सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ लाता रहूँगा आपके पास। और ज़रूर फॉलो करिए इंस्टाग्राम अकाउंट के @rizvitaus को, मैंने सबके लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिलहाल के लिए आई विल से गुड बाय। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स द स्पोर्ट जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करिए जल्दी से अपने। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ऑफ ड्यू बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया।